ये है जी इनका ग्रैंड पैलेस। इसकी पहले एंट्रेंस की, हमें लूटने की कोशिश की, कहते कि ऐसे नहीं, ये टाइट पैंट है, लूज वाली लो, ये वो। हम आ गए क्योंकि जब सिर्फ स्कर्ट का इशू है, पैंट्स का इतना नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इशू होगा एंट्रेंस बता देंगे, पर हमने सिक्योरिटी वाले से पूछा, कोई इशू नहीं था। बट एनी वेज तो ग्रैंड पैलेस है तो काफ़ी भाई ग्रैंड ही है, काफ़ी बड़ा है। लेट्स सी, अब टिकट लेते हैं इसकी। इनको बोलेंगे चुपचाप साथ साथ चिपक के चल लो, साथ साथ फिरी फिरी चल लो ताकि पता ही ना चले। ओ तो जी हम एंटर कर गए हैं ग्रैंड पैलेस में। इसकी टिकट थी 500 बाट की पर हेड, छोटे बच्चों को फ्री है, 180 सेंटीमीटर से नीचे, और टाइट्स नहीं अलाउड, स्कर्ट्स नहीं अलाउड, तो ऐसे ढीले ढीले से पहनने पड़ेंगे सबको। सो थोड़ी लूज वाली जीन्स पहन लो या पजामे में, और एंटर करते ही आगे ये सुंदर है काफ़ी। और गर्मी बहुत है। मनी फोटो कितना सही है। अच्छा ये ठीक हो रहा है ना बीच में, तो उसको पूरा कवर किया है। और ये पूरी पेंटिंग जो है दीवारों में बनी हुई, पता नहीं कौन से बीच में, तो मेरे को लगा रामायण ही बनाई है, बट कंफ्यूज कि क्या है, बट पूरी दीवारों में बनी हुई है एक जैसे स्टोरी की तरह, पूरा स्टोरी भाई। रेनोवेशन का काम भी चल रहा है इसका, और काफ़ी आगे तक है, आगे बंद है फिलहाल, बट सेम चीज़ आगे। क्योंकि मेरे को बहुत चीज़ें ऐसी लगी इसकी जो रामायण वाली है, जैसे देख यार, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी लग रही हैं रामायण वाली, जैसे ये हनुमान जी की पीठ पे लेके जा रहे हैं, ये समुंदर या नदी है जो भी है, पाथ जो पाक स्टेट है उसको पार करा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, एक साइड वाले ह्यूमन लग रहे हैं, एक साइड वाले थोड़े मंकी। अगर आप ध्यान से देखो मोस्ट प्रोबेबली रामायण लग रही है अभी भी मेरे को, बट अगर इसी को पता है क्या है तो भाई प्लीज़ बताना। और बाहर धूप और उसके अंदर एक ग्रैंड पैलेस, भाई निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। 500 बार की टिकट है बट हिम्मत नहीं पड़ रही बाहर निकलने की धूप में, बट जाना तो पड़ेगा ही, जाते हैं उस तरफ। हाँ ऊपर ही जाएंगे ना इससे। और ये है जी ब्यूटीफुल मेन पैलेस, बहुत ही सुंदर। मेरे को पता है बड़ी देर से ये बोल रहा हूँ बहुत सुंदर, बट है। वीडियो में आई डोंट नो कितना अच्छा लग रहा है, बट बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है। तो जी हमारी जो टिकट थी 500 बाट वाली, उसके अंदर जैसे आप मतलब अंदर एमराल्ड बुद्धा का टेंपल अंदर ही है, पैलेस है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप यहाँ एग्जिट पे आओगे, यहाँ बस होगी, शो होता आधे घंटे का, वो भी उस टिकट में इंक्लूडेड है। तो बस उस बस में बैठ गया, सबसे आगे मैं बैठ गया हूँ बस। अभी ये शटल सर्विस है, फ्री है, और इससे हम जाएंगे अभी हमारे शो की तरफ। तो देखते हैं जी शो कैसा होता है। बढ़िया है, बस में मैं सबसे आगे बैठ गया हूँ, वो मस्त है। बाकी धूप तो भाई यहाँ, हाँ और वो मैं कुछ शुरू में जो डाउट था कि
क्या पहन सकते हैं, तो भाई ना लड़कियां शॉर्ट्स पहन सकती हैं, ना नी से ऊपर की स्कर्ट, और ना ही जो आपकी वो टाइट वाली लेगिंग्स होती हैं वो कुछ भी नहीं अलाउड। उसकी जगह या तो वो कुछ जैसे लुंगी टाइप होता है वो पहनो, या वो ढीले ढीले से जो सब टूरिस्ट हैं यहाँ पहने होते हैं, जैसे वो लड़कियाँ अगर आपको दिख रही हैं तो जो लूज लूज से होते हैं ना वो पहनने पड़ेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, सारे टेम्पल्स में भी यही है, हर एक चीज़ में यही है। और यहाँ पैलेस के पेरी पेरी भी चल रहे हैं, पूरा पूरा उसकी बाउंड्री वॉल है। तो बस मिलते हैं आपसे जहाँ पे उतरने वाला, पैलेस के बिल्कुल साथ ही शायद ही टेंपल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा होगा मोस्ट प्रोबेबली। वाट को यस, ये टेंपल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा, यहाँ भी जाना हमने। आशी अगला यहाँ जा रहा है टेंपल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा वाट को। वैसे अच्छी बात है भाई, ये बस ने इसके पास ही अगर छोड़ा तो उस साइड पूरी मार्केट कुछ भी, जैसे 7-Eleven में को नज़र आ रहा है भाई, पानी की बोतल ले लेना, बहुत प्यास लगती है। सब उतार भी दे बस, वाट को से दूर ना करे यार ज़्यादा। भाई घुमा फिरा के हमें जो एंट्रेंस थी उसके आगे ले आया, जो ग्रैंड पैलेस था मर्ग, अभी चलता ही जा रहा है। इधर से तो हम आए थे, पुलिस की गाड़ी। अच्छा यहाँ पे सिर्फ आपको मोस्ट टोयोटा मतलब या जैपनीज या अमेरिकन ब्रांड्स, टोयोटा हो गया, निसान हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, या फिर अमेरिकन में शेवरोले, इस टाइप की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखेंगी, फोर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा तो टोयोटा इनकी डोमिनेंस है। तो लग रहा है जी अब हमें टुक टुक लेके वापस आना पड़ेगा, वो तो पीछे रह गया वॉट फोर, तो देखते हैं। मतलब लग तो रहा है कि शायद यही वाला है, नॉट श्योर, अभी एक दो मिनट पता चल जाएगा, देखते हैं। लाइट ये ग्रीन होने पे बिल्कुल जी जो लग रहा था। तो वही है, तो अभी हम क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं सारों के साथ, बहुत सारी तारें। चलो हो गया ग्रीन, लगी है हनुमान वाइट मंकी। तो जो मेरे को लग रहा था बहुत रामायण से इंस्पायर्ड है, वो है इंस्पायर्ड क्या मतलब शायद रामायण ही है। तो हम हनुमान जी वाला देखने आए हैं, ये होगी हमारी टिकट। आज छोटा ही है, छोटा ही थिएटर लग रहा है, बैठेंगे मस्त। ये है ना खाली जगह, हाँ ये पकड़ लिया, बैठते हैं सारे इकट्ठे आ जाओ, जहाँ चार सीटें आगे चलें, आगे चलें यार, ये थिएटर है, कौन सा मूवी, आगे बैठते हैं, चलो आगे आओ। ओके हाँ यहाँ बैठो, ज़्यादा पीछे भी मैं आगे ज़्यादा में जाएगा। हाँ 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 स्क्रीन थोड़ी है ये, बंदों ने करना।
पर ज्यादा गर्दन भी उच्ची, उधर बैठे हैं सेंटर में है कोई, बड़ी उच्ची होगी, ज्यादा ही ऊंचा ना जाए वो, आगे होता है वो ज्यादा ही ऊंचा तो नहीं रहेगा, यहां आ जाओ तो हाँ उधर बैठ जाते हैं वो, ठीक है हम नहीं चल। तो ये सीटें हमने ले ली हैं थिएटर का सोच के, थोड़ी आगे की तो जी वेट कर रहे हैं, 10 मिनट बाद शुरू होगा। तो Thank you.
ีไซคุ้มผ้าขนขนศิลาหงสาครตามบัญชาองค์พระภูธรให้จองถนนแต่เราพ้นขนศิลาล่องถาถงก้อนศิลานั้นกลับจมไม่ตื้นเขินजी शो बढ़िया था, आधे घंटे का हो गया ख़त्म। सब जा रहे बाहर जा रहे हैं, हम भी देखते हैं। तो हम ट्राई करेंगे सेम मिल जाए हमें वापसी की, नहीं तो टुक टुक करके जाएंगे। तो भाई रश तो है काफ़ी, लग नहीं रहा कि वो बस वापस लेके जाने वाली है, तो अपना अपना करेंगे और जाएंगे आगे। अब ठीक है जी, मिलते हैं बाद में।